नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष कुमार और आप देख रहे हैं हमारे YouTube चैनल ग्रोथ एजुकेशन पॉइंट। आज हम NIOS के ट्यूटर मार्क असाइनमेंट के बारे में चर्चा कर रहे हैं। अगर आपने ट्यूटर मार्क असाइनमेंट डाउनलोड नहीं किए हैं तो आप इस लिंक से ट्यूटर मार्क असाइनमेंट 10वीं और 12वीं दोनों क्लास का डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर लिंक लिख दिया है, अगर आपको डाउनलोड करना है तो आप इस लिंक पे जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। हमने अपनी वेबसाइट में भी डाल रखा है growthschooling.com में हमने डाल रखा है, अगर आपको वहाँ से डाउनलोड करनी है तो आप कर सकते हैं। दोस्तों, हिंदी 201 कोड है, ये 10वीं क्लास का असाइनमेंट है। इसको हिंदी में शिक्षक अंकित मूल्यांकन पत्र कहते हैं। इसमें निर्देश दिया गया है, सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए निर्धारित अंक उसके आगे दिए गए हैं। यहाँ देखिए, पहला क्वेश्चन है जो कि 40 और 60 शब्द में कहा गया है, इसका जो अंक है वो 2 अंक का है ये क्वेश्चन। और दूसरा है, उत्तर पुस्तिका के प्रथम पृष्ठ पर ऊपर की ओर अपना नाम, अनुक्रमांक, अध्ययन केंद्र जिसको AI सेंटर कोड कहते हैं, का नाम एवं विषय लिखिए, ये आपको लिखना है। अब यहाँ पे मेन बातें हैं कि निम्नलिखित प्रश्न में से किसी एक प्रश्न का उत्तर लगभग 40 से 60 शब्दों में दीजिए। कहने का मतलब है यहाँ पे कौ, ये 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, 2 में एक ही करना है, दोनों नहीं करना है, समझ रहे हैं, एक ही करना है आपको। और दूसरे क्वेश्चन में भी वही कहा गया है कि निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का करना है, तो इसको करना है। और सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पे रेफरेंस भी दिया गया है कि पार्ट 2 देखिए, पार्ट 7 देखिए, पार्ट 15 देखिए, इस तरह से करके आप अपने टेक्स्ट बुक में से ढूंढ ढूंढ के आंसर लिख सकते हैं। यहाँ पे दिया गया है टोटल 6 क्वेश्चन है। नीचे में छठा क्वेश्चन जो है ये 6 अंक का क्वेश्चन है, और इसमें कहा गया है कि परियोजना बनाना है इसमें, ठीक है। 2 दिया हुआ है, स्वास्थ्य और स्वच्छता पर 5-5 स्वरचित नारे लिखें और फाइल तैयार करें। इसमें आपको अपने से 5-5 नारे लिखने हैं और इसके लिए फाइल तैयार करना है। और दूसरा है, राष्ट्रीय स्तर के किसी अखबार का संपादकीय कम से कम 15 दिन तक पढ़ें, उनमें से अपनी पसंद के 7 संपादकीय फाइल में लगाएं और प्रत्येक पर टिप्पणी करें। ये आपको 15 दिन का अखबार पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद ही ये बनेगा। धन्यवाद।